तो देखिए यहाँ पे मैं अभी अपनी वॉइस बंद कर रही हूँ और आप इस चीज़ों से समझ गए होंगे। सम अगर बच्चों का मुंह नहीं होता ना, मैं कब का चली जाती। अभी भी मैं दूर रही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप लोग के कल मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि ड्रामा कर रही हूँ, व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, ये वो। अगर मैं डालती हूँ तो भी मुझे तकलीफ़ है, नहीं वो वीडियो डालती हूँ तो ही इसे अच्छा डाल दूँ। और जिन लोगों को लगता है ड्रामा, तो वैसे भी मेरी ज़िंदगी ड्रामा ही है, उनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सो आगे आज मैंने वीडियो में लगाया हुआ है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप बोलिएगा। मुझे बहुत कुछ बताना है, उसके बावजूद मैं नहीं बता रही हूँ। आप लोग कहते सीधी सीधी बात बताइएगा, और क्यों उन्होंने मुझे मारा उसका भी रीज़न आप उनकी वीडियो में जाके देख लीजिएगा और उनसे सवाल कर लीजिएगा। और यहाँ पे बस मैं नहा धो के पहले मैंने सोचा था खाना कुछ भी नहीं बनाऊँगी कल, फिर मैंने बना दी थी जो सब्ज़ी पूड़ी बनाई थी, तो पूरी नाश्ता के लिए बस बनाई थी। उसके बाद फिर मैं चावल देखे गंजी में भी बना रही हूँ, और छोटा मोटा जो वीडियो बना रही हूँ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा हमारा। उसको भी खिलाओ ना अपने पास, कौन सा खेल खेल रहा है। मुझे जाओ, बाय बाय छुब्बू छुब्बू, बाय बाय छुब्बू, बाय आ जाओ निंगे निंगे कल के आ जाओ। ये कौन सा खेल है? हेलो गाइस, कर लो छिब्बू, उसको नहीं, उसको घर जाएगी ना। छिब्बू आ जाओ, आ जा निंगू निंगू कल के आ जा। अरे हाँ भैया, चला भैया आजा, ओए गिर गई, कटियो बड्डियो। अरे इसको लग जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, आजा बेटा। हुआ हूँ क्या वन चक्कर किस कारण आ रहा है सर? एक मिनट, जब भी तुम कहते हो ना ये कि टेंशन दे रही मेरे को, कि मेरे को ये कर रही, तो मेरी शुगर हो गई, बीपी हो, इसलिए बार बार कुछ नहीं बोलती थी, समझ रहे हो, इसलिए नहीं बताती थी अपनी वीडियो में। पर एक हद तक कोई भी शांत रहता है चुप रहता है, पर तुम उस चुप्पी का ना तुम फायदा उठाते हो। अच्छा, मैंने दो वीडियो बनाई पर दो वीडियो में भी किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी अगर सामने वाला पर्सन बोले ना मुझे कि अगर ऐसे बात ना करूं मैं, क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, ठीक है, और अगर फिर भी सामने वाला पर्सन कहे कि मैंने उसका नाम लिया वीडियो में, तो नहीं लिया है, ये आप लोग को भी पता है। और साथ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आगे की वीडियो में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, है ना। और अगले व्यक्ति का कहने का मतलब है कि मैंने नहीं कुछ बोला, क्यों नहीं बोला, मैं उसका रीजन आप लोग को इस वीडियो में बता रही हूँ। हुआ क्या था, पहन ले, पहन लो पहन लो, हाँ पहन लो पिंटू, पहन लो ना, पैर में पहनते पिंटू, पहनो, हाँ पहनो, दिखाओ पहना है, दिखाओ पहना है, सिर से पहन लो, सिर से पहन लो, ऊपर से डाल लो, ऊपर से शिबू शिव शिव, ऊपर से डाल लो, ऊपर से डालना। और फिर भी जिनको देख के मुझे लगता है ना कि मैं ये
ये सब ये इसके लिए कर रही उसके लिए, क्योंकि एक जब होता है ना बच्चों के लिए ही आज तक मैं शांत थी एंड अभी भी मैं बच्चों के लिए ही शांत हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ही कहती मुझ में बहुत अकाल है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ये हूँ वो हूँ, फिर भी कुछ सोच के मैं अब तक शांत थी और शांत हूँ। पर अगर नहीं नहीं किया ना थोड़ा बहुत भी जो मेरे साथ बर्ताव हो रहा है, अगर उसके बारे में नहीं बताया ना तो फिर क्या होता है, चुप्पी का फ़ायदा उठाया जाता है कि ये तो किसी से नहीं बोलेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। हालांकि मैं सच में बता दूं, मैंने फ़ोन मतलब किसी से भी नहीं बताती कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। आप लोग भी का भी कहना है कि आरती ये जो भी मामला है ना घर में ही सुलझा लो तो ही अच्छा है। तो ये और मैं यहाँ पर मैंने किसी और का भी नाम नहीं लिया है, ठीक है, कि मैंने किसी और का भी नाम लिया, वरना फिर कल के लिए कोई वीडियो देखे और मुझे बोला जाए, है ना। लाइट ऑफ करके देखिए, बहुत बहसबाजी चल रही थी सो मैंने अब लाइट ऑन कर दी। अभी बोलो जो बात है कि मेरे घर वालों को नहीं बोलो, इसके घर वालों को नहीं बोलो, उसके घर वालों को नहीं बोलो। देखो मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया वीडियो में, साफ साफ मैं बोल रही हूँ, इसलिए वो चीजों को मैं छुपा रही हूँ। इसलिए चीजों को मैं बहुत कुछ छुपा रही हूँ। तो मैं ऐसा कहाँ कुछ कह रही हूँ, हाँ ना ठीक है ना, मैं गलत हूँ। लेडीज की ज्यादा सुनवाई नहीं होती, क्या होता है लेडीज का तरने में आंसू निकल जाते ना, समझ रहे। आदमियों की समझा था कि आदमी रोकर आदमी लेडीज रो रहे है तो आदमियों की बात में मजा है, और जे रहे की एक मर्द रोत नहीं है। मेरी सिस्टर का फोन आ रहा है, बात कर लूँ। बोलो। एक्चुअली मेरी वीडियो देख देख के फोन आ रहे हैं इसीलिए। क्या आंसू बहा देती है फिर? बोलो, आपको ही बोलने का मौका है तो ऐसे बार बार मत बोलो कि मेरे घर वालों को परेशान कर रही, मेरे घर वालों को ये बोल रही, मेरे घर वालों को नहीं बोल, अपने घर वालों को बोल। तो मैंने यहाँ पे भी किसी को भी ब्लेम नहीं किया है, अरे मैं इसको कर दूंगी। पापा तो कुछ काम धाम नहीं करे तो कहाँ से दे, तो नहीं देगा तो भी मेरा बोलने का हक है, मैं करूंगी क्या, नहीं तो मैं करूंगी क्या, ये बताइए क्या मैं बोल नहीं सकती। तो कहाँ से दे, कहीं से नहीं देंगे तो क्या मैं बोल नहीं सकती। मैं ये नहीं कहती कि किसी व्यक्ति के पास हो, मम्मी पापा के पास तो जमीन है तो मैं दादा बेच के हम इलाज करा सकते। इंसान का मायके में कोई अधिकार नहीं रहता है, ससुराल में रहता है। यही चीज तो है, जमीन है। इसी टोन की वजह से आप देख रहे, टोन में थोड़ी सी भी मिठास नहीं है, देख ले। इसीलिए ना मैं सामने वीडियो नहीं बनाती, और फिर ज्यादा होगा तो आप लोग को सच सुनना था ना, इसलिए मैंने कहा कि मैं सच सच बताऊंगी जो भी होगा। तो उधर नहीं ये कर वो कर ऐसा कर, भगवान कसम अगर बच्चों का मुंह नहीं होता ना मैं कब का चली जाती। अभी भी मैं दूर रही हूँ घर, अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। थोड़ी सी बातों में मिठास भी नहीं है। एक व्यक्ति जब दुखी होता है ना, सिर्फ उससे कोई दो मीठी बातें कर ले उसका दुख ऑलरेडी वहीं ख़त्म हो जाता है। पर ये चीज़ें मैं बहुत दिनों से जो महसूस कर रही थी और छुपा रही थी, और उनको जो बोलना है मेरी वीडियो में बोलते तो एकदम लड़ने, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो में आके लड़े। जो तुमको बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो, पर इतने कड़वे शब्द नहीं। तू अपने यहाँ से मांग, वहाँ से मांग, मेरे घर वालों से नहीं मांग। भाई मैं नहीं बोलूँगी, ना ही किसी का नाम लूँगी यहाँ पर। और जो उन्होंने मुझे शादी का गिफ्ट दिया था जो कि आप लोग को बताया था, सो मैंने उनको वो भी रिटर्न कर दिया है, मैंने नहीं रखा है ना। मेरे पास उनकी कोई एक चीज़ ही नहीं है तो मैं वो रख के क्या करूँगी, इसलिए पे मैंने कर दिया। जिसको जो समझना है एनीवे, चलिए ठीक है। ये तो ठीक है, देखिए शिवदेव का कैरम रखा है, बस कोचिंग से लेके आऊँगी। और क्योंकि उसके सामने ना ये सब बातें करो ना तो वो दिमाग में बैठाता, फिर पूछता है मम्मी क्या हुआ था, क्यों रो रही थी, मत रो। वो अब बहुत समझदार हो गया ना, इसलिए अभी शिप को सुलाया है। तो फिर अभी भी मुझे नींद ना बहुत आई थी, कल मैं 1-1.5 बजे सोई क्योंकि भूखे पेट सोई थी, खाली पेट ना नींद नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश की पर नहीं आ रही थी। खाना रखा था पर नहीं खाया था मैंने। फिर सुबह उठी हुई पूड़ियाँ सीखी थी, देव बोल रहा था मम्मी मुझे भूख लगी, पूड़ी बना दो, जैम पूड़ी दे दो। मैंने कहा ठीक है,
बस उनके सामने बात करने की कोशिश करो। सो कैमरा ऑफ करने की बात कोशिश करी, बहुत बहस हो रही थी। सो मैंने फिर बोला कि ठीक है, अभी देखिए इसमें भी लड़ने लड़ने को हो रहे थे, जाने देती हूँ, वो भी मेंशन नहीं करूँगी। और आपने तो देखा ही है, जो है सो है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, किस्मत नहीं इतना कुछ लिखा हुआ हो, है ना। तो अब ना ही हम किस्मत को दोष दे सकते हैं, ना ही अपने आप को दोष दे सकते हैं, बच्चों है जैसा है। पर ये है, अब थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ करना है। पहले ये था कि अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ पा रही थी, अब अपने लिए जोड़ के रखूँगी आने वाले वक्त के लिए। और अगर मैं इस घर से कहीं पे जाती हूँ तो कुछ भी लेकर नहीं जाऊँगी, ये मैं कह रही हूँ साफ।